नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। इसका कारण है दिल्ली में ही उनकी पार्टी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होना। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी बैठक का आयोजन दिल्ली में होना ये संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेना चाहते हैं उसका संदेश वो देश भर में देना चाहते हैं। तो अब वो फैसला क्या होगा, इस पर अलग अलग तरह की कयासबाजी जारी है। कुछ वक्त पहले के हालात में अगर ये बैठक होती तो ये कहा जा सकता था कि नीतीश कुमार का मूड दिल्ली चढ़ाई का है, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में वे अपनी भूमिका को फ्रंट सीट पर देखना चाहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर आती खबरें ये इशारा करने लगी हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की बैठक में पटना यानी कि बिहार में अपनी साख बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अंतिम तौर पर क्या होगा ये तो 29 दिसंबर को बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले तक दिल्ली चढ़ाई या पटना बचाओ अभियान के बीच तर्कबाजी ही चलेगी। विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक के बाद नाराज से बताए जा रहे नीतीश कुमार के बारे में अगर खबरें सही हैं तो दिल्ली उनसे छिटक गई है। गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने पर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सरेआम हैं, लेकिन नीतीश इसका खंडन कर रहे हैं। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि गठबंधन की बैठक में उनके भाषण का अंग्रेजी अनुवाद कराने की कोशिश करने वाले टीआर बालू पर नीतीश कुमार का गुस्सा उनके संगठन संयोजक बनने की राह में रोड़ा बन गया है। अगर ये दोनों बातें सच हैं तो दिल्ली चढ़ाई यानी कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद फ्रंट सीट पर बैठने की ख्वाहिश को झटका लग चुका है, क्योंकि भाजपा या एनडीए उन्हें फ्रंट सीट तो देगी नहीं, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन उनकी ख्वाहिशों को दरकिनार ही करता रहा है। तो इस पाले में भी फ्रंट सीट का डोर उनके लिए अब तक लॉक ही है। वर्तमान की बात करें तो राजद के कुछ बड़े नेताओं के चाहने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हुए। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो सकती है और ललन सिंह राजद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये भी संभव नहीं दिख रहा है कि ललन सिंह तत्काल पद के साथ पार्टी छोड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एकजुट है और कोई कहीं नहीं जा रहा है। ललन सिंह को हटाने या उनके इस्तीफा देने की खबरों के बीच नीतीश कुमार ने ललन सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की है और उसके बाद ललन सिंह ने नीतीश के आवास पर जाकर मुलाकात की है। इन मुलाकातों के बीच ये लग रहा है कि पटना में अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हालात पर कंट्रोल नहीं किया गया तो परेशानी कभी भी हो सकती है। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में जदयू की खींचतान वाली अफवाहें राजद को भी प्रभावित कर रही है। तेजस्वी यादव इन बातों को अफवाह ही बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगर अफवाहें सच हुई तो वे क्या करेंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पार्टी की खींचतान पर राजद अभी वेट और वॉच ही कर रही है, जिसके बाद आगे की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।